रमना प्रखंड के ग्राम पंचायत टंडवा के मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त, पंचायत सचिव निलंबित। अबू आवास योजना में योग्य को अयोग्य एवं अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर चयन करने का आरोप। अबू आवास में अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई। उपायुक्त गढ़वा। गढ़वा उपायुक्त श्री शेखर जमुआर ने आज जिले के रमना प्रखंड के ग्राम पंचायत टंडवा के मुखिया संतोष कुमार सिंह की वित्तीय शक्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया है। साथ ही टंडवा के पंचायत सचिव मोहम्मद हुसैन अंसारी को निलंबित किया है। मुखिया संतोष कुमार सिंह के स्थान पर अगले आदेश तक संबंधित पंचायत के उप मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करने का आदेश दिया। इन लोगों के विरुद्ध अबू आवास योजना में योग्य लाभुकों को अयोग्य एवं अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर लाभ देने का आरोप है। विदित हो कि मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबू आवास योजना के PWL सत्यापन क्रम में प्राथमिकता सूची को नजरअंदाज करते हुए योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर उनका चयन करने संबंधी शिकायत की जांच कराते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मुखिया एवं पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहने तथा रमना प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दोनों लोग को दोषी पाया गया, जिस कारण कार्यवाही की गई है। मुखिया को पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 30, 64, 142 एवं पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग का आदेश संख्या 26 दिनांक 15 दिसंबर 2019 के खंडिका तृतीय के अनुसार टंडवा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह की वित्तीय शक्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया। वहीं उनके स्थान पर अगले आदेश तक उक्त पंचायत के उप मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करने का आदेश दिया। पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मझियाव निर्धारित किया गया है। मोहम्मद हुसैन अंसारी को निलंबन अवधि में नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा। उपायुक्त श्री शेखर जमुआर ने कहा है कि अबुआ आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें किसी तरह की कोताही और अनियमितता पाए जाने पर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सभी सहयोगात्मक रवैया अपनाए। योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिलने पर संबंधित कर्मी जिम्मेवार होंगे।